एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई एम प्रिया भारद्वाज। आज की जो वीडियो है पूरी स्किन केयर के ऊपर है, प्रॉपर स्किन केयर के ऊपर वीडियो है ये। और एक मैं प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। एज यू ऑल नो कि समर्स आ चुके हैं और बहुत बुरी वाली गर्मी भी आ चुकी है और इसमें हमारा फेस बैठे बैठे अपने आप ही डल होने लग जाता है। हम कुछ करते भी नहीं हैं तब भी हमारा फेस इतना डल लगने लग जाता है। तो इन्हीं सब का सॉल्यूशन लेके मैं लाई हूँ एक प्रोडक्ट, दैट इज ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जो है लिटिल क्यूट सा प्रोडक्ट है। ये पूरा लैमिनेट होके आया था ये प्रोडक्ट और मुझे सिर्फ 1 रुपये में मिला ये प्रोडक्ट और मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने इसे बाय कर लिया कि ये प्रोडक्ट कैसा है। और ये पूरा फेशियल किट आपको देगा कि आपका फेस एकदम रिफ्रेशिंग सा लगेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका फेस ग्लो करेगा। इसमें लिखा हुआ है 100% सर्टिफाइड है ये ऑर्गेनिक से और यूथफुल ग्लो फेशियल किट है ये। और इसमें काफ़ी अच्छे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मुझे कुछ ऐसे पैकेजिंग में आया था इसमें रैप होके जो कि मैंने अनबॉक्स कर लिया है, उसकी वीडियो भी मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी। एंड ये इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं और अगर हमारा फेस डल हो जाता तो हमें चाहिए नेचुरल चीज़ें जो कि इसमें सभी चीज़ें हैं। इसको मैं ओपन करके देखती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें है, इसमें इतने सारे पाउचेस हैं एज यू कैन सी। और मैं इतने सारे पाउच देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी यार। इसमें तो काफ़ी सारे पाउच है, लाइक क्लेंजर है, इसमें फेस स्क्रब है, मसाज जेल है, मसाज क्रीम है, फेस मास्क है। इन सब से तो आपका चेहरा पक्का रिफ्रेश हो जाएगा, ग्लो करने ही लगेगा। इतनी सारी चीज़ें हैं यार, आप देख सकते हैं। और मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी पाउच क्यूट क्यूट से। तो हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि कैसा प्रोडक्ट है, ग्लो देता भी है, हमारा फेस रिफ्रेश रहता भी है कि नहीं है, और ये सब चीज़ें हम देखते हैं। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट, आप इसको क्लोजली देख सकते हैं, क्लोज से दिखा रही हूँ। इसमें यूथफुल ग्रो फेशियल किट है और ये 100% सर्टिफाइड है, ऑर्गेनिक है। इसमें है सैफ्रन, ओट मिल्क एंड पीच एंड एनरिच विथ बैकचुअल ऑयल है। इसमें कोई सा सीड का कोई ऑयल होता है ये जो कि बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए। और ये 30 मिनट मेकओवर है और इसके पीछे काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, लाइक मेड फॉर यू, अवर स्टोरी, वी गारंटी, कंसंट्रेशन, हाउ टू यूज़। सबसे मेन पॉइंट है हाउ टू यूज़, कि हम इसको यूज़ कैसे करें। इसमें 5 स्टेप दे रखे हैं काफ़ी अच्छे से। सो सबसे पहला स्टेप इसमें है क्लेंजर का। इसमें लिखा है ऑर्गेनिक फेस क्लेंजर और अप्लाई द फेस क्लेंजर एंड मसाज इन सर्कुलर मोशन फॉर 2 मिनट्स, देन वाइप इट ऑफ विद अ मॉइस्ट कॉटन पैड। इसमें लिखा है कि इस क्लेंजर को अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है और अच्छे से मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में 2 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से फ्रेश सा लगे आपका फेस। उसके बाद अच्छे से किसी कॉटन पैड से इसको साफ कर लेना है। मेरे को तो सबसे अच्छा तो अपने फेस को जब तक मैं धो नहीं लेती, जब तक मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मेरे फेस से कुछ निकला है, तो मैंने अच्छे से वॉश करके तब वाइप किया। आप कैसे भी कर सकते हैं। और उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो है ऑर्गेनिक फेस स्क्रब। ये एक स्क्रब है और इसमें लिखा है कि स्क्रब द फेस जेंटली विद ऑर्गेनिक फेस स्क्रब फॉर 2-3 मिनट्स, वाइप इट ऑफ विद अ मॉइस्ट कॉटन पैड। इसमें भी ये लिखा है कि आपको अच्छे से अपने फेस पे स्क्रब करना है, फिर वाइप कर लेना किसी कॉटन पैड से। और फिर इसके बाद है थर्ड स्टेप ऑर्गेनिक मसाज जेल। ये एक जेल है। अप्लाई द जेल इन अ सर्कुलर मोशन, अपवर्ड मोशन एंड मसाज अंटिल फुल अब्सॉर्प्शन। ये एक जेल है और इसको अच्छे से अपने फेस पे सर्कुलर अपवर्ड मोशन पे बहुत अच्छे से मसाज करनी है आपको फेस पे। और इसको जब तक मसाज करनी है जब तक आपके फेस पे मतलब अब्सॉर्ब ना हो जाए, ये जेल एक जेल की तरह रहेगा और इसको आपको फेस पे मतलब अच्छे से अब्सॉर्ब करवाना है और तब तक मसाज करना है जैसे मैं मसाज कर रही हूँ। आप कैसे मसाज कर सकते हैं जैसे आप कर सकते हैं। तो और उसके बाद है फोर्थ स्टेप ऑर्गेनिक मसाज क्रीम। ये क्रीम है। अप्लाई द क्रीम ऑल ओवर योर फेस एंड नेक, मसाज इन अ सर्कुलर अपवर्ड मोशन फॉर 10 मिनट्स, रिमूव एक्सेस विद अ मॉइस्ट कॉटन पैड। इसमें लिखा है कि एक क्रीम को पूरे फेस पे अप्लाई करना है एंड नेक पे, और सर्कुलर अपवर्ड मोशन में 10 मिनट तक मसाज करनी है। मसाज करने आता है वैसे आप कर
लीजिए, ऐसे कोई प्रोफेशन की जरूरत नहीं है कि कैसे भी कर लीजिए मसाज, बस मसाज होनी चाहिए आपकी फेस की। तो ऐसे मैंने जैसे मेरे को आता है वैसे मसाज किया, आप भी मेरे जैसे मसाज कर सकते हैं जैसे मैंने मसाज किया है, और काफी अच्छा फेस लगने लग गया था मुझे इसके बाद। आप भी ऐसे कर सकते हैं। ओके तो इसके बाद है 5 स्टेप ऑर्गेनिक फेस मास्क। इसमें लिखा है अप्लाई द मास्क इवनली ऑन योर फेस एंड नेक, अवॉइडिंग द आई एरिया, लीव इट फॉर 10 मिनट्स, जेंटली मसाज इट विद अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर, वाइप ऑफ विद वेट कॉटन एंड देन रिंस जेंटली। इसमें लिखा है कि मास्क को अच्छे से अपने फेस पे लगाइए, नेक पे लगाइए, और आई एरिया को छोड़ दीजिए, उसमें नहीं लगाना बिल्कुल भी, आई एरिया को स्पेशली बोला हुआ है। उसके बाद उसको पूरे फेस पे नेक पे लगा के 10 मिनट तक छोड़ देना है, और अच्छे से मसाज करके छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद मैंने तो वॉश कर लिया है अच्छे मैंने तो से, जितनी बार इस स्टेप किया है, मतलब जितना भी फेस पे लगाया है, उतनी बार अपना फेस धोया है, उसके वजह से मेरी टी शर्ट भी गीली हो गई है, बट कोई नहीं, इट्स ओके। फेस रिफ्रेश सा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ग्लोइंग सा फेस लग रहा है। आप देख सकते हैं पहले में और अब में फ़र्क, और आप भी ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिए, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, और सॉफ्ट से काफ़ी स्किन लग रही है मेरे को। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगी होगी। ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग की वेबसाइट पे आप जाके ले सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे ऑफर्स आते रहते हैं, और मुझे ये ऑफर मिला है, और आप भी चाहें तो बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर्स उसमें से ले सकते हैं, और ऑफर लिमिटेड रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ना कि यही मुझे मिला है, आपको भी चेंज मिल सकते हैं। तो आप जल्दी जाइए वेबसाइट पे विजिट कीजिए। आप नए हैं मेरे चैनल पे, जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।